जय हिंद साथियों, मैं रानी आज आप लोगों को हिस्ट्री का आगे का देखने जा रही हूँ, जिसमें से हम पहले कक्षा में देख चुके थे कि वर्णों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया था और राज्य जो होता था वो धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे कैसे शासन करता था और वर्ण व्यवस्था के बारे में पहले देख चुके थे। अगला है कि कृषि में परिवर्तन, अर्थात कि कृषि में परिवर्तन जो हम देखते हैं वो कैसे हुआ था। कृषि परिवर्तन में मुख्यतः इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए। पहला था हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिसमें अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। आने के कहने का अर्थ ये था कि पहले लोग हल का जो प्रयोग करते थे वो लकड़ी का रहा करता था, या जिससे कि जो जमीन काफी कठोर रहा करती थी उससे जुताई करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो अब ये हुआ था कृषि परिवर्तन में, दो बड़े परिवर्तन में। फर्स्ट परिवर्तन ये था कि जो कृषि था उसमें जो हल का जो प्रयोग हो रहा था उसमें लोहे का, क्योंकि अब उस समय उपयोग होना शुरू हो गया था, तो अब जो हल का जो फाल होता है उसे लोहे का रखा जाने लगा। तो लोहे के रहने की वजह से जो कठोर जमीन हुआ करती थी उसे आसानी से जोता जा सकता था, जिससे कि कृषि में परिवर्तन आया और उपज जो हुआ करता था वो बढ़ते गया। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है कि लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। अर्थात तो अब लोग ये करने लगे थे कि जो धान का जो बीज होता है उससे पहले पौधा उगाया करते थे। अभी वर्तमान में हम देख लेते हैं, जैसे पहले बिहन करते हैं ना, धान का जो होता है उसे हम पहले बुनते हैं, बुआई करते हैं, तो जो थोड़ा बड़ा हो जाता तो उसे हम फिर कवार करके दूसरा खेत में लगाते हैं। तो उसी प्रकार से वो लोग जो थे वो धान के बीजों को पहले रोपते उगाते थे, उसके बाद फिर खेतों में लगाते थे। इस तरीका से ये होने लगा कि जो धान की जो पैदावार थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और अच्छी उपज होने लगी। ये था दो परिवर्तन जो कृषि में देखा गया था। अगला है कि मतलब हम जनपद देखे थे, महाजनपद देखे थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। तो आखिरकार ऐसी क्या कारण रहा होगा कि जो मगध महाजनपद था वो मतलब सबसे शक्तिशाली रहा होगा। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है कि 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया गया था। अर्थात जो मगध का भी जो वर्तमान का क्षेत्र है, तो झारखंड बिहार, जो बिहार का जो पूरा क्षेत्र है वो मगध कहलाता था। तो उस समय ये रहता है कि मगध का जो क्षेत्र था वहां गंगा और सोन नदी दोनों बहती थी, जिससे कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। तो कृषि कार्य आरंभ मतलब कृषि अच्छी तरीके से होती थी। मैदानी इलाका था और नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती थी, तो वो सब उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इससे तो समृद्ध था ही मगध। और जो मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा पूरा हुआ था, तो जंगलों में अधिकांशतः जंगली जानवर हुआ करते थे। तो जो हाथी हुआ करते थे उन्हें पकड़कर उन्हें शिक्षा दिया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि उसे सेना में ले जाया जा सके। सेना में ले जाने से वो एक हाथी मतलब हाथियों का जो था वो हाथी ले जाते थे, तो हाथियों को सेना में ले जाया करता था, जिससे कि मगध एक कारण यह है कि मगध शक्तिशाली हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि मगध के शक्तिशाली होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा किया तो वो था प्राकृतिक। हर तरफ से प्राकृतिक रूप से मगध जो था वो सक्षम था, हर तरीका से उसे सब कुछ उपलब्ध था। अगला है कि बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। आखिर हम पढ़ते हैं हरियक वंश बिंबिसार जो था वो मगध का शक्तिशाली शासक था। अब ऐसे ऐसे शासक जिस एरिया में होंगे वो एरिया तो शक्तिशाली होगा ही। तो और जो अजात शत्रु था वो राजगिरी में जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था। अगला है कि महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। मगध के अंतर्गत
उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर अर्थात आधुनिक राजगीर से कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र अर्थात पटना में राजधानी बनाया गया, अर्थात महापद्मनंद से जो थे नंद वंश के वो अपना मतलब जो क्षेत्र था उसका विस्तार किए थे और विस्तार उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में तक फैला हुआ था। बिहार में जो राजगीर है अर्थात अभी वर्तमान में जो राजगीर है, पहले मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी अर्थात उस समय की भाषा में बोले तो राजगीर हुआ करता था, धीरे धीरे नाम परिवर्तित करके उसे राजगीर कर दिया गया। तो राजगीर का राजधानी के रूप में इसलिए रखा जाता था क्योंकि राजगीर का जो हम भौगोलिक देखते हैं क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र से हम देखेंगे तो राजगीर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो जिससे कि ये होता था कि राजधानी सुरक्षित रखने में आसानी होती थी, कोई उस पर आक्रमण करे तो उससे पहले यहाँ के शासक को पता चल जाता था और वो उसे पराजित कर देते थे। तो ये जो थी सुरक्षा की भावना से वो अच्छा था, प्राकृतिक रूप से किलेबंदी करने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि प्राकृतिक ने उसे किलेबंदी किया, तो इसलिए राजगीर को उस वक्त राजधानी रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ समय बाद बहुत दिनों तक जब राजगीर को राजधानी रखा गया लेकिन कुछ समय बाद फिर उसे पाटलिपुत्र अर्थात पटना में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो महापद्मनंद के शासनकाल में मतलब पाटलिपुत्र राजधानी ले जाया जाता है। तो आज के लिए यही तक, फिर हम देखते हैं कल। थैंक यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।